तो आज हमारी आईसीटीएम मीडिया न्यूज दैनिक हरियाणा की टीम पहुंची है गांव गढ़वाड़ में, बरोदा हल्के में पड़ता है ये गांव। और यहां जब हम पहुंचे गांव में तो हमारी मुलाकात श्री उमेश सिंह शिवाच जी से हुई। तो आप से रूबरू कराना चाहेंगे हम शिवाच साहब को। शिवाच साहब नमस्कार। एक्स एमएलए हैं ये, पूर्व विधायक है, महम से निर्दलीय विधायक रहे हैं, निर्दलीय रहे ना सर। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया, और जो दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर आपने आपका जो राजनीतिक सफर है वो कहाँ से शुरू किया आपने? मैं राजनीतिक सफर 1972 में पहला इलेक्शन लड़ा था मैंने। अच्छा जी। और ये समाज से मैं संबंधित रहा। अच्छा। और मैंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। तो गांव गांव सर गांव मेरा सामान है। सामान। और मैं महम से बेहतर में एमएलए बना, और मैं असेंबली में शायद सबसे पढ़े लिखे आदमी, गोल्ड मेडलिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का एमए, और 27 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम में एमएलए। वाह जी वाह। देखो उस टाइम पे गोल्ड मेडलिस्ट होना अपने आप में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि उस टाइम पर तो पास हो जाया करते, वो ही बतेरा काक पीटते आ करते, बालक पास हो गया, मेरिट कार परसेंटेज का तो कोई चक्कर ना होया करता। और उस टाइम से शिवाज साहब उस टाइम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और 27 साल की उम्र में विधायक बनना है जी, 27 साल की उम्र थी ना, वो भी एक गर्व की बात है मेहमान के लिए। तो सर ठीक, आगे उसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ता तो रहा हूँ, परंतु इलेक्शन लड़ने का फिर नहीं। अच्छा मौका मिला, लड़ा भी नहीं। तो यहाँ गढ़वाड़ में मतलब अभी आप रात को शायद क्या टाइम हुआ है जी? 7 बजने वाले हैं सर। तो गढ़वाड़ में यहाँ पे क्या जिम्मेवारी निभा रहे हो आप? किस कौन सी पार्टी की तरफ से आप यहाँ पे चुनाव में आए हुए हैं? जानकारी दे। मैं खुद तो कांग्रेस ही नहीं हूँ। अच्छा। परंतु कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इंदुराज बालू की मदद करने के लिए। अच्छा। मैं आज के संदर्भ में ये समझता हूँ कि मेरे साथी कार्यकर्ता है कपिल देव शास्त्री जी के लड़के, पूर्व एमपी जो थे। अच्छा जी। हरिय शास्त्री जी। अच्छा। ब्रजेंद्र दून जी। अच्छा जी। अजी राजवीर जी, इनके साथ मिलके गांव में मैं लगभग 10 दिन से यहाँ डेरा डाल रखा है सक्रिय हूँ। मतलब ये आपकी टीम है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। मैं इनकी टीम हूँ। तो सर आपने कहा कि मैं कांग्रेसी तो नहीं हूँ। ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे आप? मैं स्पष्ट ही करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का एक्टिव मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। और मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि मैं एमएलए हूँ या एमपी हूँ, ये भी कोई इच्छा मैं 77 साल मचल रहा हूँ। परंतु मैं आज के संदर्भ में ये समझता हूँ देश की राजनीति के लेवल पर कांग्रेस पार्टी ही मुख्य पार्टी है, जो बीजेपी का जो राज है, बीजेपी का जो मोदी का राज है, उसका मुकाबला करने में आइडियोलॉजिकली भी और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी सक्षम है। सर आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, मैं सारी बात आऊंगा, मैं स्टेट पर भी आऊंगा। हाँ, मैं हरियाणा। अच्छा, स्टेट पर। चलो आप बताइए पहले, क्योंकि हम केवल इस इलेक्शन को बरोदा के मैं सीमित करके नहीं रखते, ये एक देश की राजनीति में भी करोड़ लेगी। यहाँ भी 6 साल से राज है। हाँ जी। सेंटर में भी 6 साल से राज है। बिल्कुल है जी। मैं ये मानता हूँ अपनी हरियाणवी भाषा बहुत रिच भाषा है। हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कुछ तो लोग खट्टर को खराब बताते हैं, कुछ उसको खराब बताते हैं,
मैं ना तो योगेश्वर का कोई खुट मानता ना खट्टर का खुट मानता, मैं ये मानता अपनी भाषा में ये कहते हैं जिसकी पुनसेरी घटती है उसके तरले बाट घटते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय जोड़ करके आप ये बात कहें। हाँ जी, अच्छा। मोदी जो है, हाँ जी, मोदी एक नंबर अयोग्य आदमी है, अयोग्य। मैं तो शुरू से कहता था हमारे वकीलों में एक दो आदमी था जो मोदी के खिलाफ बोलता था, मैं कहता था कि मोदी ही गड़बड़ में है। अच्छा। मोदी गड़बड़ में नहीं है, मोदी की जो विचारधारा है, आरएसएस की जो विचारधारा है, वो राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकती। तो सर मोदी प्रधानमंत्री तो मोदी है ना। हाँ है। फिर आरएसएस की विचारधारा का उससे कैसे क्या? आरएसएस आज मोदी के मंत्री आरएसएस के अधीन रहते, क्लास लेते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड आरएसएस को देते हैं, तो आरएसएस ही चला रहा है। तो आपका मतलब सर ये हो गया कि मोदी का जो रिमोट है वो आरएसएस के हाथ, आरएसएस के हाथ में नहीं, मोदी आरएसएस का आदमी है। कोई सेंटर में मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता रहे हुए, या संघ जिनको कहता है अब ये राजनीति लड़ेगा, अब ये मैदान में प्रचार करेगा, वो अपने ढंग से वो करते हैं। और आरएसएस की विचारधारा मैं आज भी ये मानता हूँ, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी एक सेकुलर, सबको मिला के चलने वाले। अब जैसे गढ़वाड़ गाँव में मिसाल के तौर पर, इसमें मेरी इसमें 15-20 जातियाँ हैं, जाटों में भी 10-12 गोत है। अच्छा। वो एक गोत यूं कहे कि युगांत मेरा है और मैं वो करूंगा, उससे काम नहीं बच सकता। एक घर भी है किसी जात का है, किसी एक गोत का, वो भी यूं महसूस करेगा कि रोड़ मेरा काम है। हाँ, उसका भी अपना वर्चस्व है, तो ही काम सुख से बसेगा। एक ज्वाइंट फैमिली, हमारी ज्वाइंट फैमिली 10 आदमी है, एक आदमी भी यदि खिलाफ हो जाए वो उस घर में देरी तो कुछ नहीं चलती, वो सारे घर का नुकसान कर देगा। आज भारतवर्ष में अनेकों दो भाषाएं हैं, भारतवर्ष की जो संस्कृति है सिंधु सभ्यता से लेके आज तक लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, आते रहे, कोई तो कास्ट यहाँ प्योर नहीं है। अब आरएसएस की विचारधारा के इतिहास को भी बदलना चाहती है, मैं थोड़ा लंबा तो होगा, कोई बात नहीं, इतिहास को भी बदलना चाहती है कि केवल आर्य संस्कृति है यहाँ, यहाँ आर्य संस्कृति पूरी गढ़वाल में भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लोग मीट खाने वाले भी हैं, यहाँ लोग बिल्कुल शाकाहारी भी हमारे जैसे, यहाँ लोग दारू पीने वाले भी हैं, मतलब खाने पीने में फर्क है, सोचने फर्क है, मूर्ति पूजक भी हैं यहाँ, बिना मूर्ति पूजक भी आर्य समाजी भी हैं। हाँ जी, हाँ। तो मतलब सभी विचारधाराओं के सभी का यदि मान होगा, सभी यूं महसूस करेंगे भाई। अब मैं मेरे घर में भी देखो, मेरी पत्नी मूर्ति पूजक है, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, परंतु घर ना चला लड़े तो आज ये विचारधारा ये है कि जो इनकी विचारधारा में फिटना बैठो उसको कुचल दो। अब इनकी विचारधारा नेहरू का यदि आप कोई पढ़ के देखे, पढ़े लिखे बैठे हैं, नेहरू का जो विजन था, हाँ जी, उसने जो आज मोदी कहते हैं 50 साल काम नहीं हुआ, ये सड़क किसने बनवाई, यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, एटॉमिक एनर्जी किसने बनवाई, ये आपके बांध हैं ये किसने बनवाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लिया, नहीं राज जब कांग्रेस का रहा तो अब तक जो किया वो तो सीने के अंदर शूट है सर, ये तो विजन होता है। जिस दिन देश आजाद हुआ ना तो इसकी इकोनॉमी थी बहुत, दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने ये लिखा कि 2 साल में भारतवर्ष गिर जाएगा। अच्छा, और पाकिस्तान गिर भी गया, कितने कत्ल हो लिए, कितने बदल लिए, बीच में डिक्टेटरशिप। परंतु मैं इस देश की सबसे बड़ी नेहरू की एक मानता हूँ कि उसने डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया। आज हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ये हिम्मत रखता है कि हमें वोट से सरकार बनती है, वोट में विश्वास है, वोट की ताकत को समझता है। और जो भारत का संविधान है, संविधान में क्या पहली लाइन में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, वी दी पीपल ऑफ का मतलब ये नहीं है जाट है, ब्राह्मण है, मराठा है, हरियाणवी है, राजपूत है, या कोई वाल्मीकि है, या कुछ। वी द पीपल का मतलब है सारी विचारधाराओं के, सारी कास्टों के, सारी धर्मों के, वी द पीपल दिया। और ये भारत के सभी लोग,
भारत के सभी लोग, और ये नए रुकाई विजन था कि बाबा साहब जैसे आदमी के हाथ में संविधान सौंपने की ताकत दी। आज तो ये बात है, वी द पीपल नारा नहीं है बीजेपी का, एक विचारधारा एक कानून सारे देश में, एक कानून नहीं चल सकता। बीसी देश में हम जाट हैं, हम करेवा करते हैं, ब्राह्मण उसको बिल्कुल पाप मानता है, कुछ कास्ट ऐसी जो बुआ की लड़की से शादी करते हैं, मामा की लड़की से शादी करते हैं, मैं नहीं कह पुरुषी गलत है और पुरुषी वो है, सब में अपनी अपनी रिवाजें हैं। हाँ जी, तो सारी रिवाजों को सबको स्वतंत्रता होगी भाई, अपनी रिवाजें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रहते हुए अपनी रिवाजों को भी मानो, अपने धर्म को भी मानो, अपनी एजुकेशन को भी मानो। इस बात को, इस बात से सबको खतरा है। आज लाइन ऑर्डर है, यूपी में वाल्मीकि को लड़की की नाड़ी तोड़ दी, रेप कर दिया, और आज ये क्या कहते हैं कि उस लड़की का चरित्र खराब था और पुलिस कस्टडी में उसको जो है वो अंगा में उसका अपना बयान दे के मरीज चौखा भगवान ने उसको बीच में होशा गया, उसने अपना बयान दिया, उसको भी कहते हैं कि ये लड़की का चरित्र खराब था। चरित्र खराब कोई अकेली का था, मान लिया ये भी हो, और वो कहते हैं आप हमारी माँ बाप ने, अब सारे आप भी मीडिया के आदमी हो, ये भाई बैठे हैं, मान लिया कोई उन्दर की लिंक करेगा अपनी बहन का लड़की का, वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ये स्वाभाविक बात है, मान लिया, मैं ये भी मान लिया उनकी बात है कि वो लड़की उन्होंने मौके पर पकड़ ली, पर वो मारना चाहते थे तो अध मरी करके अस्पताल में कोई नहीं ले गए ना, नहीं बिल्कुल, आज तक जितनी ऑनर किलिंग हुई है वो बिल्कुल पूरी करते हैं, पूरी तरह पर जला भी देंगे वो। हाँ, अब हम तो वकील हैं, मैं कानूनी ढंग से नेचुरल ढंग से जो एक प्रोसेस है उसके हिसाब से देखते हैं। दूसरी बात, रात को जला दी, ऐसा तो औरंगजेब का टाइम में भी नहीं हुआ कि हिंदुओं को जलाने के अपनी क्रियाकर्म करने से रोका गया, रीति रिवाज। उसके बाद हमारे समाज में बलात्कार के मतलब जाटों को बलात्कारी बना गया, मतलब आप एक कौम को, इतनी बहादुर कौम है, हम किसान हैं, सारे देश का पेट भरते हैं, ये थोड़ा सा इलाका निकाल दो वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा, देश भूखा मर जाएगा। बिल्कुल, हमारे जवान फौज पर मरते हैं, उस दिन तो कहीं शहीद हो गया और फिर हमने बलात्कारी भी बताऊ, ये सारी कौम को उसने प्रकाश सिंह कमेटी की थी, वो तो बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, उन्होंने एक शब्द लिखा है, द नोज ऑफ द जाट वाज प्रिंट कंटिन्यूसली, जाट की नाक में सरकार ने लगातार सुई चुभोई है, और ये सुई चुभने से भी ये तो बल्लम मारने की बात है कि जाट बलात्कारी। हाईकोर्ट में भी कहते रहे कि वहां सुखदेव ढाबे पर, मतलब कोई पर्टिकुलर सर किसी जाति पे आरोप लगाना, आरोप वाक्य में उनके काम आता है। यहाँ राजकुमार सैनी को छोड़ दिया, राजकुमार सैनी कांग्रेस बीजेपी का एमपी है, राजकुमार सैनी को रोका नहीं गया, उसने 35-1 35 और बराबर में और वन के बारे में तो बल्कि वो शब्द बोले हैं कि जो चलो वो बोल रहे वो सब तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह से देश नहीं चलता। अब देश जब चलता है, अब ये हिंदूवाद कहते हैं, हिंदूवाद गांधी का भी था, हिंदू इंदिरा गांधी भी थी, परंतु एक हिंदू होने से आप यूं कहोगे 22 करोड़ मुसलमान है देश में, आप उनको जान से तो नहीं मार सकते, या 2 करोड़ सिख भी हैं, सिखों को जान से नहीं मार सकते। हर कौम का, हर जाति का अपना योगदान है देश को बनाने में, तो उसको आप यू न्यारे करके पीटो, न्यारे करके लाभ ये है कि कॉमनलाइज कर दो। बिल्कुल, यहां भी इन्होंने, मैं आप हरियाणा पर आता हूं, अपना नफा टोटा देख रहे हैं और हुड्डा साहब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो आप चौटाला साहब की बात कर रहे थे, यदि 3,000 पार कर जाए तो आप और हम यही है, 3,000 वोट पूरे हल्के में और के गढ़वाल में। वाह जी वाह, शिवाज साहब अच्छा। अब ये बेचारा पहलवान है, पहलवान के प्रति हमें कोई गुस्सा नहीं, राष्ट्र का बढ़ाया, मान बढ़ाया, इसका भी हरियाणा सरकार ने हुड्डा साहब ने मान सम्मान बढ़ाया। बिल्कुल, इसको करोड़ों रुपए दिए एकेडमी खोलने के लिए, इसको DSP बनवाया, और पहलवान जैसे और भी कई आदमियों के सारे नहीं मिले,
परंतु फिर भी चलो बड़ा मन, अब राजनीति की बात है, पहलवान जिस पाड़े में खड़ा है अब वो समझते हैं हरिजन विरोधी है, किसान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है वह पार्टी जिस पाड़े में खड़ा है, इसलिए पहलवान की वोट नहीं देनी चाहिए। उन्होंने पहलवान से व्यक्तिगत तौर पर कोई द्वेष नहीं, और न खट्टर से कोई व्यक्तिगत द्वेष है। खट्टर जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं वो घृणा की राजनीति है, देश को तोड़ने वाली राजनीति है, जोड़ने वाली राजनीति है, मतलब विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है। ये जीतने के दो तीन कारण है। अब इन अध्यादेशों का हर आदमी को दर्द है, किसी जगह और से भी पूछ के देख लो आगे कि ठेठा लोड़ा कुरुक्षेत्र में लठ मारे, बिल्कुल रोष इस बात को लेकर के तो सर काफी रोष है। और व्यक्तिगत तौर पर हुड्डा और दीपेंद्र का भी बड़ा भारी प्रभाव है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लड़ने की क्षमता लोग देख रहे, ये दोनों बाबू बेटा टक्कर ले ले तो ले ले, चुटाला साहब और कोई विकल्प है नहीं, चुटाला साहब वाले पार्टी में तो दम रहा नहीं, यूट्यूब गया छोरा मतलब और कोई विकल्प है नहीं, है नहीं विकल्प कोई, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए दीपेंद्र हुड्डा के कोई विकल्प ही नहीं है, व्यक्ति के तौर पर भी पार्टी के तौर पर कांग्रेस, तो इसलिए लोगों का अपना इंटरेस्ट है अपने उसमें लग रहे हैं। तो सर अब लास्ट में क्या अपील और संदेश आप विरोधाल के करना चाहता हूँ कि जो अब तक पीसफुल इलेक्शन चलाया है इसको पीसफुल रहने दें, एक आध भाई मान लिया दूसरा भी दे तो उससे लड़े नहीं, एक आध नून ने भी दे लेने जिसने वोट देनी है, और बूथ पर हाथ जोड़ के नए इलेक्शन लड़े, और शांतिपूर्ण से बीजेपी हो सकता है कि दंगा करवाने की भी कोशिश करें, इसको जात पात का इलेक्शन ना बनने दें, मेरी यही अपील है। चलो तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया विचार व्यक्त करने का और लंबा। तो आपने सुने एक्स एमएलए श्री उमेश सिंह शिवाजी के विचार, और मैं आपका अपना पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह, धन्यवाद।